तो आज हम बनाने जाने वाले हैं गेहूं के आटे से बनने वाले पकौड़े, जो कि आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सबके सारी रेसिपी फुल ऑन। तो अभी मैंने ये यहाँ पे तेल रख दिया है और अभी हम वघार करेंगे। अभी ये है पोटैटो, ऑनियन और ये आदू मिर्च की पेस्ट है। तो अभी इसी छोटी सी आइटम से हम फटाफट से बनने वाले गेहूं के आटे के पकोड़े बनाने वाले हैं। देखिए इसको मैंने बुंदा है, ठीक है। अभी इसमें पहले हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के लिए जीरा डालेंगे थोड़ा सा ही। अभी डाल रहे हैं हींग। अभी हम पहले डालेंगे आदू और मिर्च की जो ये देखिए, फिर मैं ये डालूंगी अनियन। हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा अच्छा लगे तो ज्यादा डालना है। अभी हम डालेंगे गरम मसाला और आपके घर में जितनी मिर्च खाई जाती है उस प्रमाण उस तरह से डालिएगा। मेरे घर में बहुत ही कम खाई जाती है तो मैंने इस तरह से डाली है। और ये है धनिया पाउडर जो कि भर भर के डालना है। पोटैटो डाल देंगे जल्दी से, मेरे पास धनिया नहीं है ग्रीन वाला तो चला लूंगी, कभी कभी स्किप कर सकते हैं, अगर वो है तो डाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि कितना बढ़िया बड़ा मैंने ये स्टफिंग बना लिया है पकोड़े के लिए। तो चलिए अभी हम ब्रेड में पहले स्टफिंग भर लेंगे। मैंने ये छोटी वाली ब्रेड ली है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सारी की सारी ब्रेड की स्टफिंग में भर लेती हूँ। ये देखिए मैं अच्छी तरह से ये स्टफिंग भर रही हूँ सारे के सारे ब्रेड में, पहले स्टफिंग भर के फिर बाद में हम इसको तलेंगे। लेकिन अभी ये गेहूं वाला सीक्रेट तो बाकी है आप सभी के लिए, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको ये सीक्रेट जानना है तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो देखते रहिए। अभी ये लाइट नहीं थी तो हमने ऐसे ही ब्लॉग बनाया था, अंधेरा अंधेरा था, लेकिन सॉरी अभी लाइट आ चुकी है। तो अभी हम इसको कटिंग कर देते हैं। पहले ऐसे देखिए ये मैंने कर दिया है कटिंग, इधर रख दिया है और ये फिर से ले लिया है। और ये सॉफ्ट हाथों से करेंगे तो टूटेगा एक भी नहीं, वरना टूट सकता है। हाँ तो भी कर सकता है। तो अभी तुम मेरा वीडियो उतारने का नहीं नहीं, अभी मेरे को देर बहुत हो रही है। मेरे को एक तो काटने दो। बिल्कुल भी नहीं, लास्ट वाला दे दो। तुम्हारे पास लास्ट करके मेरे को देते ही नहीं है, कैसा मानुष है ऐसा नहीं करते। तो अभी पहले हम ये तेल को गर्म करने के लिए रख देते हैं, ये देख लीजिए। और ये हमारा रहा सीक्रेट, या सभी लोगों को यही दिक्कत होती है कि जब भी पकौड़े बनाते हैं तो ज़्यादा तेल चाहिए होता है। तो मैं आपको ये सीक्रेट बताती हूँ कि गेहूं का आटा लीजिए पहले। देखिए ये है गेहूं का आटा जो कि मैंने छान लिया है, और फिर बाद में ये लेने वाली हूँ छाना हुआ है बेसन का आटा। बेसन का आटा और गेहूं का आटा दोनों आधा आधा लेना है, पूरा बेसन का आटा हमें कभी नहीं लेना। अगर आपको क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं और कम तेल में तलने हैं तो भी ये ही लीजिए, मतलब 50-50। हाँ 50-50। मैंने थोड़े बहुत काजू के फूल ले लिए हैं और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ूंगी इसमें मैं। देखिए ये उभर कैसा आ रहा है। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अभी ये हम इसका आटा भी लगा लेते हैं। देखिए इसका आटा कैसे लगाना है, ना ही हमें गाढ़ा रखना है और ना ही सॉफ्ट,
यानी कि पानी चढ़ा, ये हमें बीच वाला आटा लगाना है इसका। चाहे तो इसमें थोड़ी बहुत हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली हुई है। फिर देखिए ये कैसा बेटर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा बेटर हमें बनाना है। और फिर शायद तेल हो चुका है या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। शायद हो चुका है अभी। बंद कर दे भाई वीडियो को। से अब ये आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े, ये देखिए। तो देखिए ये कितने क्रिस्पी है। अगर आपको हमारा ये पकौड़ा वाला वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।